अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इस्लाम से जुड़े हुए चंद सवाल और उनके जवाब। तो वीडियो पूरा देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आज का हमारा सवाल नंबर एक, किस नबी ने सबसे पहले मिसवाक का इस्तेमाल किया था? आपके ऑप्शन है ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हजरत हुद अलैहिस्सलाम या डी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपका जवाब देने का समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मिसवाक का इस्तेमाल किया था। सवाल नंबर दो, किस पानी के इस्तेमाल से गुनाह जड़ जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए बारिश का पानी, बी नदी का पानी, सी समंदर का पानी या डी वुजू का पानी। आपका जवाब देने का समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी वुजू का पानी। वुजू के पानी के इस्तेमाल से सारे गुनाह झड़ जाते हैं। सवाल नंबर तीन, सबसे पहले कौन से नबी ने काफिरों से शादी करने को मना फरमाया? आपके ऑप्शन है ए हजरत ईसा अलैहि सलाम, बी हजरत शीश अलैहि सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलाम या डी हजरत नूह अलैहि सलाम। आपका जवाब देने का समय शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हजरत शीश अलैहिस्सलाम। शीश अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले काफिरों से शादी करने को मना फरमाया था। सवाल नंबर चार, हज के दौरान कौन सी दो नमाजें एक साथ पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन है ए फजर और जोहर की, बी जोहर और असर की, सी असर और मगरिब की या डी मगरिब और ईशा की। आपका जवाब देने का समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी मगरिब और ईशा की। हज के दौरान मगरिब और ईशा की नमाज एक साथ पढ़ी जाती है। सवाल नंबर पाँच, कयामत के दिन जमीन को किस चीज का बना दिया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए चांदी का, बी सोने का, सी तांबे का या डी लोहे का। आपका जवाब देने का समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सी तांबे का। कयामत के दिन जमीन को तांबे का बना दिया जाएगा। भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।